हेलो स्टूडेंट एंड मोस्ट वेलकम टू ऑल इन आवर इंस्टीट्यूशन सरस्वती सेक्शन सदन कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रिको श्री गंगानगर. एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2020-21. हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, अपने इससे पहले फिफ्थ चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन वो अपना कंप्लीट हो गया है. आज अपने नया चैप्टर सॉइल, या अपने इसे कह सकते हैं इंडिया सॉइल. ठीक है, मतलब चैप्टर का आपकी बुक का नेम इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट है. जो सॉइल की अपने यहाँ स्टडी करेंगे वो इंडिया से रिलेटेड करेंगे. थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद में जो सॉइल टाइप है इंडिया के उसकी अपने यहाँ स्टडी करेंगे. ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपने जो सॉइल है, ठीक है, उसकी थोड़ी सी बात कर लें. सॉइल क्या होती है, डेफिनेशन क्या है, या उसमें क्या क्या उसके फैक्टर हैं, क्या उसके कंपोनेंट हैं, वो बाद में पढ़ेंगे. पहले अपने सॉइल की इम्पोर्टेंस के बारे में जनरली अपने जो देख लें, ठीक है, या उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने ले लें. आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप्स के जो ट्रीज़ हैं, ग्रासेस हैं, क्रॉप्स हैं, ठीक है, ये आपने ग्रो होती हुई या ग्रो हुई हुई देखी होगी. ठीक है, उसके अपने बात करें तो उसका जो ग्रो है, उसकी जो ग्रोथ है वो लगती कहाँ पे है, ग्रोथ कहाँ होती है, तो वो सॉइल में होती है. ठीक है, सॉइल की इम्पोर्टेंस है यहाँ. और अपने बात करें कि बिना सॉइल के आपने कोई तिनका, एक घास का तिनका अपने कह सकते हैं, वो भी आपने उगा हुआ नहीं देखा होगा. ठीक है, हाँ, ये बात जरूर है कि जैसे मान लो ओशियन है, ओशियन के अंदर आपको एक्वेटिक प्लांट मिल जाएंगे, लेकिन उनका भी एक तरह से सोर्स अपने कह सकते हैं कि सॉइल के अंदर से जो न्यूट्रिएंट हैं, मिनरल्स हैं, वो उसमें सॉल्यूशन होकर, उसका उसमें सॉल्वेंट होकर, और बाद में वो उसके थ्रू, वाटर के थ्रू प्लांट को प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं. ठीक है, तो मतलब मेन सोर्स जो है न्यूट्रिशन का प्लांट के लिए वो सॉइल है. ठीक है, तो सॉइल की अपने इम्पॉर्टेंस अपने लिए बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए अपने उसकी स्टडी करनी भी इम्पॉर्टेंट बनती है कि इतना जो भी अपने फूड क्रॉप हैं या फैब्रिक हैं, ठीक है, या जो भी अपने ट्रीज़ हैं, वो उन सभी की ग्रोथ कहाँ हो रही है, सॉइल में हो रही है. तो सॉइल के बारे में अपने को स्टडी करना बनता है. ठीक है, और सॉइल के अपने यहाँ स्टडी स्टार्ट करते हैं उसकी फॉर्मेशन के लिए. तो इसके लिए क्या है कि इसको अपने को जो फूड हैं या फॉडर कह लो, चाहे क्लोज कह लो, इसे प्रोवाइड करवाने के लिए उसको अपनी प्रिपरेशन में या सॉइल फॉर्मेशन में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं एक थिन लेयर ऑफ सॉइल की फॉर्मेशन करने के लिए. ठीक है, मतलब उसे काफ़ी लंबा टाइम, काफ़ी लंबे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, तभी जाकर सॉइल बनती है. ठीक है, सॉइल बनने के लिए जैसे उससे फर्स्ट प्रोसेस ये होगा कि अर्थ के ऊपर रॉक बनी हुई है जब से अर्थ की फॉर्मेशन हुई है. ठीक है, उसमें रॉक मतलब अर्थ की फॉर्मेशन के साथ ही उसमें अपने कह सकते हैं कि कुछ टाइम बाद जो मोल्टन मैग्मा है उसके ऊपर, उसके सॉलिड होने से अपने कह सकते हैं रॉक बन गई. लेकिन रॉक सॉइल नहीं होती, जो हार्ड रॉक होती है वो अपने कह सकते हैं कि सॉइल नहीं होती. रॉक जैसे इग्नियस रॉक होगी, सेडिमेंट्री रॉक होगी, मेटामॉर्फिक रॉक होगी, रॉक वर्ड आएगा उसे अपने सॉइल नहीं कह सकते. सॉइल बनने के लिए जो रॉक है उसका वेदरिंग अपने कह सकते हैं, डेनुडेशन कह सकते हैं, वेदरिंग है, इरोजन है, उसको टूटना फूटना पड़ेगा, उसको लूज होना पड़ेगा, उसके बाद अदर प्रोसेस से, ठीक है, वो पास डाउन होकर उसके बाद वो सॉइल बनेगी. ठीक है, तो यहाँ अपने सॉइल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने सॉइल की डेफिनेशन की बात अपने करें तो सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रिस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स विच डेवलप ऑन द अर्थ सरफेस. डेफिनेशन देखें तो अपने कि सॉइल है वो रॉक डेब्रिस
रॉक डेब्रिस का मतलब क्या है? लूज पेरेंट मटेरियल, जो कहां से मिला है? रॉक के डिसइंटीग्रेशन होने से, डिकम्पोजिशन होने से, रॉक के सिंपल लैंग्वेज में बोले अपने रॉक के टूटने फूटने से जो अपने को मटेरियल मिला उसे अपने लूज पेरेंट मटेरियल बोलते हैं, मतलब ढीला जो पेरेंट मटेरियल है, मतलब जो रॉक के टूटने फूटने से अपने को मिला है, प्लस उसमें ऐड हो जाएंगे कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल उसको, और एक चीज उसको चाहिए टाइम, और इसके अलावा उसके ऊपर क्लाइमेट का, वेजिटेशन का भी इफेक्ट आएगा, इन सभी से क्या बन जाएगी? सॉइल बन जाएगी, ठीक है। अब अपने फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो जो फैक्टर हैं सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करने वाले वो कौन कौन से हैं? फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, इसमें चार पांच जो फैक्टर हैं वो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करेंगे। इसमें फर्स्ट है रिलीफ, ठीक है। रिलीफ क्या होता है? उचावच, या अपने ऐसे कह दें कि किसी पर्टिकुलर एरिया की, पर्टिकुलर रीजन की फिजियोग्राफी की अपने बात करें तो वो रिलीफ फीचर में आ जाते हैं। इसमें देखा जाता है कि कहीं पे माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन है, ठीक है, ये कुछ एरिया है, या जिनकी जो हाइट है सी लेवल से कम है, ज़्यादा है ना, उस बेस पे स्लोप कम है, ज़्यादा है, तो मेनली जो हाइट के साथ साथ इसमें टेम्परेचर का डिफरेंस भी आएगा, एक तो वो बात होगी, और हाइट ज़्यादा होगी या स्लोप ज़्यादा होगी तो भी सॉइल फॉर्मेशन को वो फैक्टर अफेक्ट करेगा। अब यहाँ पे स्लोप कम होगी, प्लेन एरिया होगा, वहाँ पे सॉइल की जो डेप्थ है वो ज़्यादा होगी, जितनी सॉइल की डेप्थ ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा वो फर्ट होगी, ठीक है। और जो ज़्यादा अपने कह सकते हैं हिली स्लोप वाले एरिया होते हैं वहाँ पे थिन लेयर मिलती है, ठीक है, अगर मिलती भी है या तो नहीं मिलती, ठीक है, क्योंकि उसको वहाँ पे बेस प्रोवाइड नहीं होता रुकने के लिए, वो वाटर के साथ या ग्रेविटेशन फोर्स के साथ नीचे की ओर आ जाती है और सॉइल फॉर्मेशन नहीं होती। तो ये रिलीफ का फीचर होता है, ठीक है, कि कैसा वहाँ रिलीफ फीचर है या कैसी वहाँ पे स्लोप है, ठीक है, प्लेन एरिया है या ज़्यादा एंगल के साथ या स्लोप बनी हुई है, वहाँ पे ज़्यादा हाई हिल एरिया है, तो उसका इफेक्ट आ जाता है रिलीफ फीचर में जो सॉइल फॉर्मेशन के ऊपर पड़ता है। सेकंड अपने बात करें तो पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल की बात अभी अपने करके गए हैं कि जो रॉक होती है, इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, तो किसी पर्टिकुलर सॉइल की अपने बात करें तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने से सबसे पहले अपने ये बात करेंगे कि उसका पेरेंट मटेरियल क्या है, मतलब वो किस रॉक से बनी हुई है, किस रॉक के डिसइंटीग्रेशन से, किस रॉक की वेदरिंग से, किस रॉक की डिकम्पोजिशन से वो जो सॉइल है वो उसकी फॉर्मेशन हुई है, मतलब उसका पेरेंट मटेरियल कैसा है, या पेरेंट रॉक कैसी है, उस पेरेंट रॉक का डिसइंटीग्रेशन होने के बाद में अपने को जो पेरेंट मटेरियल बना है तो वो भी अफेक्ट करता है। उसके भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के करैक्टर होंगे जो सॉइल टाइप को अपने कह सकते हैं डिस्टिंग्विश करेंगे या दूसरों से अलग करेंगे, ठीक है। थर्ड है जो उसमें आपका आ जाता है क्लाइमेट, ठीक है। अब क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी सॉइल जो फॉर्मेशन है वो अफेक्टेड होती है। क्लाइमेट की अपने बात करें, वार्म मॉइस्चर हो गया, वार्म मॉइस्ट हो गया क्लाइमेट, वार्म ड्राई क्लाइमेट हो गया, है ना, टेम्परेट मॉइस्ट हो गया, टेम्परेट ड्राई हो गया, है ना, कोल्ड हो गया, तो अलग अलग टाइप के एनवायरनमेंट में, सॉरी क्लाइमेट में अलग अलग टाइप की जो सॉइल है उसकी फॉर्मेशन होती है, क्योंकि जो क्लाइमेट है उसमें टेम्परेचर रेनफॉल दो मेजर फैक्टर हैं, उसके इफेक्ट की वजह से बैक्टीरियल एक्टिविटी भी अफेक्ट होती है, ठीक है, और उसके साथ साथ रेनफॉल से भी उसमें सॉइल मॉइस्चर कंटेंट का डिफरेंस आ जाता है, किसी में सॉइल मॉइस्चर ज़्यादा होता है किसी में कम होता है, ये उसके कंपोनेंट में भी डिफरेंस आ जाता है। कंपोनेंट में ही अपने बात कर लेते हैं कि उसमें बैक्टीरियल एक्टिविटी कहीं पे ज़्यादा होती है कहीं पे कम होती है, जैसे ह्यूमिड है और वार्म है वहाँ बैक्टीरियल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा एक्टिविटी होने की वजह से क्या होता है कि वो वहाँ पे ह्यूमस या ऑर्गेनिक मटेरियल अपने को नहीं मिलता, मतलब उनको जो बैक्टीरिया वो खा जाते हैं, और जो मतलब ठंडे इलाके हैं टेम्परेट जोन है वहाँ बैक्टीरियल एक्टिविटी कम होती है, वहाँ पे अपने को ह्यूमस या ऑर्गेनिक मटेरियल जो है, यहाँ अपने बात की है इसको ह्यूमस भी बोल देते हैं, ठीक है, तो ये अपने को ज़्यादा मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो एक आपको वर्टी सॉइल या ब्लैक सॉइल जो आपको साइबेरियन रीजन में मिलेगी, ठीक है, वो इसी वजह से मिलती है कि वहाँ पे जो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल है या ह्यूमस कंटेंट है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो एक उसका टाइप हो जाएगा। उसके बाद अपने बात करें नेक्स्ट फैक्टर की तो इसमें वेजिटेशन आ जाएगा। अभी अपने जैसे क्लाइमेट में भी वेजिटेशन की बात की थी, तो यहाँ
वेजिटेशन का मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल से ही आ जाएगा, ठीक है। वेजिटेशन या इसके साथ अपने अदर लाइफ फॉर्म्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, अदर लाइफ फॉर्म्स। तो वेजिटेशन और अदर लाइफ फॉर्म्स ये मिलकर डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल जिसको अपने ह्यूमस बोलते हैं उसकी फॉर्मेशन करते हैं, जो अभी जो सॉइल को ज़्यादा फर्टाइल बनाने में भी हेल्पफुल होता है। तो ये भी एक फैक्टर है जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। लास्ट अपने बात करें इसमें टाइम। अब जैसे अपने स्टार्टिंग में बात करके गए हैं कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए थाउजेंड ऑफ ईयर्स, हज़ारों साल लग जाते हैं, तो जितना ज़्यादा टाइम सॉइल को मिलेगा, जितनी ज़्यादा पुरानी सॉइल होगी उतनी ही ज़्यादा वो डेवलप होगी, उतनी ही ज़्यादा वो फर्टाइल होगी, उसमें ज़्यादा अपने कह सकते हैं कि जो लेयरिंग सिस्टम है वो अच्छे से डेवलप हो जाएगा, अच्छी सी उसकी सॉइल प्रोफाइल बन जाएगी। तो ये भी एक फैक्टर जो है टाइम, ये सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। अब इसके बाद इसके कंपोनेंट की बात करें, सॉइल के जो कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसमें एक तो आ जाएगा मिनरल मटेरियल, ठीक है, एक इसमें आ जाएगा ह्यूमस या ऑर्गेनिक डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल, ह्यूमस को बोल देते हैं अपने, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाएगा आपका सॉइल वाटर और सॉइल एयर, ये इसके कंपोनेंट हो जाएंगे सॉइल के, ठीक है। अब इन्हीं के ऊपर जो इसके कंपोनेंट है उसमें मिनरल कंटेंट कम है ज़्यादा है, ह्यूमस कम है ज़्यादा है, सॉइल मॉइस्चर या सॉइल वाटर की अपने बात करें वो कम है ज़्यादा है ना, सॉइल एयर का सर्कुलेशन, एयर का सर्कुलेशन वहाँ पे कैसा है, ठीक है, एयर फ्लो कैसा है, तो उसके ऊपर इसके डिफरेंट टाइप्स जो डिसाइड किए जाते हैं, अलग अलग टाइप की अपने को सॉइल मिलती है इन कंपोनेंट के बेस के ऊपर ही, ठीक है। इसके बाद अपने बात करें तो जनरली आप लोगों ने जो फार्मर फैमिली से रिलेटेड हैं या जनरली अपने एरिया में आप लोगों ने देखा ही होगा कि अपने खेत में कोई गड्ढा खोदते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको जनरली आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप्स के कलर की लेयर आपको, जैसे जैसे आप डेप्थ में जो गड्ढा खोदते जाओगे, ठीक है, डिगिंग करते जाओगे, तो डिफरेंट टाइप्स के कलर की लेयर आपको वहाँ पे मिलती जाएगी, ठीक है। ये ऑब्जर्व में भी आप लोगों ने किया होगा, डिफरेंट टाइप्स की अलग अलग लेयर आपको देखने को मिलती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में अलग, एक ऊपर अलग लेयर, नीचे अलग लेयर, अलग अलग कलर की या अलग अलग कंट्रास्ट की आप वहाँ लेयर देख सकते हो सॉइल की, ठीक है, तो उसको हॉरिजन बोलते हैं, सॉइल हॉरिजन, ठीक है। तो उसमें थ्री पार्ट हैं, उसे थ्री पार्ट्स में अपने डिवाइड कर देते हैं हॉरिजन या उसे अपने सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। तो जो हॉरिजन ए है ये टॉप मोस्ट लेयर है, ठीक है, जैसे अपने यहाँ बात कर ली तो सबसे टॉप मोस्ट जो लेयर है वो ए हो गई, ठीक है। उसके बाद में हॉरिजन बी है, ये इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन लेयर आ गई ए और सी के बीच वाली, और लास्ट में हॉरिजॉन सी, ठीक है, ये सबसे बेसिक लेयर है, फंडामेंटल लेयर है, ठीक है। तो थ्री लेयर्स हैं, थ्री हॉरिजॉन हैं। तो इसमें फर्स्ट में अपने देखें हॉरिजॉन ए में अपने बात करें तो ये फुली डेवलप लेयर होती है, हॉरिजॉन होता है, इसमें जो भी अपने कंपोनेंट की बात करके गए हैं, मिनरल कंटेंट हो गया इसमें, आपका ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, सॉइल वाटर हो गया, सॉइल एयर हो गया, लगभग इसमें जो भी सॉइल के कंपोनेंट होते हैं यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, ठीक है, मतलब वेल डेवलप पार्ट होता है ये हॉरिजॉन ए। और सी की अपने बात करें तो इसमें लूज पेरेंट मटेरियल जो कि इसके नीचे की बेड रॉक है, ठीक है, या पेरेंट रॉक है जैसे अपने बोल देते हैं, तो वो वाला जो मटेरियल है लूज पेरेंट मटेरियल वो अपने को यहाँ पे मिल जाता है। और बी में दोनों के ही पार्ट, यहाँ नीचे वाले लूज पेरेंट मटेरियल भी, ठीक है, मिनरल भी, और कुछ पार्ट यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल का वो भी यहाँ पे अपने को मिल जाता है। तो ये थ्री लेयर्स हैं और जनरली जो इनका बेस होता है वो बेडरॉक होता है, उसके ऊपर ये टिकी रहती हैं।
मतलब क्या होता है कि बेडरॉक अब यहाँ पे है, पहले यहाँ तक होगी, अब धीरे धीरे ऊपर वाले पार्ट का डिसइंटीग्रेशन डिकम्पोजिशन होता रहता है, लूज होती रहती है, उसके बाद इसमें ऊपर से आकर ऑर्गेनिक मटेरियल है, सॉइल मॉइस्चर है, वो सॉइल लेयर है, वो उसमें ऐड होती रहती है। तो जैसे ऊपर वाला पार्ट धीरे धीरे डेवलप होता रहता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है फॉर्मेशन में तो उसकी डेप्थ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इस तरह से थ्री टाइप के जो हॉरिजोन हैं इनको अपने सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं, ये डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपने देखते हैं कि जैसे अपने बात की है कि अलग अलग सॉइल में, मैंने जैसे आपको बताया कि किसी में मिनरल कंटेंट या मिनरल मटेरियल ज़्यादा होता है, किसी में ह्यूमस ज़्यादा होता है ना, सॉइल मॉइस्चर सॉइल एयर का डिफरेंस होता है। तो अपने एक टॉपिक बनता है कि अपने सॉइल को क्लासीफाई करें। ठीक है, तो सॉइल को क्लासीफाई पर्टिकुलर अपने यहाँ इंडिया की सॉइल को ही क्लासीफाई करेंगे, क्योंकि ये आपकी जो बुक है वो इंडिया सॉइल या इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट है, और इसमें ये टॉपिक जो है वो इंडिया सॉइल के नाम से अपने यहाँ पढ़ रही है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो इंडिया की अपने बात करें तो इंडिया में जैसे आपने पहले पढ़ चुके हो कि वैरायटी ऑफ फिजियोग्राफी है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की फिजियोग्राफी मिलती है, कहीं पे माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन है, कोस्टल रीजन है ना, डेजर्ट रीजन है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे आपको क्या मिलती है, सॉइल मिलती है, उसकी वजह से, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स का यहाँ पे फिजियोग्राफी है। अच्छा, क्लाइमेट की भी अपने बात कर देते हैं, तो फिजियोग्राफी डिफरेंट है, क्लाइमेट डिफरेंट है अलग अलग पार्ट में, तो उसी अकॉर्डिंग वहाँ पे डिफरेंट टाइप की आपको सॉइल मिलती है। अब सॉइल की क्लासिफिकेशन की अपने बात की है, तो जो सॉइल का क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले जो सॉइल का क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ, तो एंशिएंट टाइम की अपने बात करें तो सॉइल को टू मेन ग्रुप में ही डिवाइड किया जाता था, जिसमें आ जाता है उर्वरा और उसरा। ठीक है, ये तो फर्टाइल होगी, सिंपल, जो फर्टाइल है जिसमें प्रोडक्शन हो रहा है, और दूसरी स्टेराइल होगी, मतलब जो इनफर्टाइल अपने कह सकते हैं या अनुत्पादक है, मतलब जिसमें प्रोडक्शन नहीं होता है ना, बंजर है, वेस्ट लैंड है, वो इसमें शामिल हो जाती है। अब उसके बाद में 16th सेंचुरी का क्लासिफिकेशन की अपने बात करें, 16th सेंचुरी के क्लासिफिकेशन की अपने बात करते हैं, तो उसमें जो करैक्टरिस्टिक फीचर हैं सॉइल के, आउटर फीचर हैं, आप कह सकते हैं आउटर फीचर हैं जो बाहर से अपने को दिखाई देते हैं। ठीक है, जिसमें टेक्सचर आ गया, कलर आ गया, स्लोप ऑफ लैंड आ गया, ठीक है, वाटर एवेबिलिटी आ गया उसमें, या मॉइस्चर एवेबिलिटी आ गया, तो उसके ऊपर बेस्ड ये क्लासिफिकेशन 16th सेंचुरी में किया गया था या किया जाता था। उसमें क्या है कि जैसे टेक्सचर के ऊपर बेस्ड जो अपने को सॉइल टाइप, जैसे अपने थोड़ा सा बता दें तो उसमें सैंडी आ गया, जैसे सैंडी जिसमें मोटी रेत जिसे अपने कह सकते हैं, जिसमें सॉइल पार्टिकल का साइज जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद में सिल्टिंग, क्ले और लॉमी, ये टेक्स्ट के ऊपर, टेक्सचर के ऊपर बेस्ड सॉइल के टाइप अपने कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। कलर के ऊपर बेस्ड अपने बात करें तो उसमें रेड हो गया, ब्लैक हो गया, येलो हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, और भी अपने टाइप इसमें देख सकते हैं। तो ये 16th सेंचुरी का क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद अपने बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सॉइल का क्लासिफिकेशन है, ठीक है, सॉइल की इम्पोर्टेंस को समझा गया कि इससे अपने को प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा, जो भी अपने फूड है, फॉडर है, क्लोथ्स हैं, ठीक है, तो वो इसी से ही बन रहे हैं अपने, तो इसको डिटेल स्टडी की जानी चाहिए ताकि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो वो भी अपने किया जाए। तो इसकी स्टडी की गई सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 1956 में हुई थी, सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, उसने क्या किया कि कुछ पर्टिकुलर रीज़न में कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की, अच्छी डिटेल से स्टडी की उनके बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आपकी बुक में दामोदर वैली के भी रीज़न के भी बारे में बताया हुआ है, दामोदर वैली रीज़न में उन्होंने सॉइल की डीप कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की। ठीक है, उसके बाद अपने बात करें तो जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, ICAR, ठीक है, इसके अंडर में लैंड यूज प्लानिंग, और एक आपका इसमें आ जाएगा
द नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे, ठीक है, ICAR के द्वारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर सर्च, ठीक है, द ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर सर्च और लैंड यूज प्लानिंग के द्वारा उसमें जो इंडिया की सॉइल है, ठीक है, उसको क्लासिफाई किया गया या उसकी अपने कह सकते हैं स्टडी की गई, उस स्टडी के ऊपर बेस्ड इंडिया का जो सॉइल क्लासिफिकेशन है या सॉइल टाइप है उसको इंटरनेशनल लेवल के अकॉर्डिंग कंपेरेबल बनाने के लिए जो इंडिया की सॉइल टाइप है उसको यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसको अपने USDA बोल देते हैं, ठीक है, उसके जो बेसिस हैं सॉइल क्लासिफिकेशन के, उन बेसिस के ऊपर बेस्ड होकर क्या किया कि इन्होंने जो सॉइल की नेचर है, उसके करैक्टर है, उसके ऊपर बेस्ड इन्होंने जो सॉइल के टाइप हैं वो बताए, और आपकी बुक में भी बता रखे हैं, और उनके नेम और उनकी परसेंटेज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें जैसे फर्स्ट क्लास आ गई इनसेप्टिसॉल्स, ठीक है, सेकंड इसमें आ गई एंटीसॉल्स, ठीक है, थर्ड इसमें आ गई अल्फी सॉल्स, फोर्थ इसमें आ गई वर्टी सॉल्स, फिफ्थ इसमें आ गई एरिडी सॉल्स, सिक्स्थ आ गई इसमें अल्टी सॉल्स, और सेवन्थ आ गई इसमें मॉली सॉल्स, और एट्थ अदर्स, ठीक है। तो जो इंडिया में इनसेप्टिसॉल है वो कितने परसेंटेज एरिया में मिलती है, 39.74%। एंटीसॉल जो है वो 28.08% में मिलती है। उसके बाद अपने बात करें अल्फी सॉल की तो 13.55% एरिया में मिलती है। उसके बाद वर्टिसॉल की अपने बात करें तो 8.52% एरिया में मिलती है। उसके बाद एरिडी सॉइल 4.28% एरिया पे मिलती है। अल्टी सॉल 2.51% एरिया में मिलती है। मॉली सॉल जो है वो 0.40% एरिया पे मिलती है, और अदर जो सॉइल है वो 2.92% एरिया पे मिलती है, ठीक है। तो ये नेम और उसके परसेंटेज आपको ये लर्न करने हैं सिंपल, उसके बाद इसकी डिटेल नहीं है। उसके बाद एक सिंपल क्लासिफिकेशन जिसके ऊपर बेस्ड ये आपका चैप्टर है, जिसको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, उन क्लासिफिकेशन की अपने बात करते हैं कि उसके ऊपर बेस्ड इंडिया में कितने टाइप की जो सॉइल है। तो उसमें ऑन द बेसिस ऑफ जिनेसिस, कि उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, कलर एंड कंपोजिशन, मतलब उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसके ऊपर बेस्ड सॉइल के जो टाइप हैं उसमें फर्स्ट आ जाएगा एलुवियल सॉइल्स, ठीक है, सेकंड उसमें आ जाएगा ब्लैक सॉइल, थर्ड आ जाएगा रेड एंड येलो सॉइल, फोर्थ इसमें आ जाएगा लैटराइट सॉइल, फिफ्थ इसमें आ जाएगा एरिड सॉइल, सिक्स्थ इसमें आ जाएगा पीटी सॉइल, सेवन्थ इसमें आ जाएगा माउंटेन सॉइल, ठीक है, और एक आपका जो पार्ट है उसमें सेलाइन सॉइल। ये 8 टाइप की कैटेगरीज हैं, इनको अपने नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें डीप से इनको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक में अपने जो डेफिनेशन पढ़ी, उसके सॉइल की इम्पोर्टेंस पढ़ी, उसके अपने फैक्टर अफेक्टिंग पढ़े, उसके कंपोनेंट पढ़े, सॉइल प्रोफाइल पढ़ी, और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ा 2 टाइप का, है ना। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप फर्दर पूछ सकते हो, ठीक है।